हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम होंडा शाइन के ऊपर काम करने वाले हैं। टॉपिक है कार्बोरेटर ओपन कैसे करना है किसी ने। इसके 3 या 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट में सिर्फ कार्बोरेटर कैसे ओपन करना है वो बताएंगे हम, और फिर बाद में हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कार्बोरेटर प्रॉपर डिसमेंटल कैसे करते हैं, ठीक है। एक एक पार्ट उसमें डिटेल्स लेंगी, तो वो सेकंड पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम कार्बोरेटर कैसे प्रॉपर ओपन करना है वो बताएंगे, और सेकंड पार्ट में फिर कार्बोरेटर प्रॉपर डिसमेंटल, और थर्ड पार्ट में फिर से कि कार्बोरेटर ओपन करने के बाद, डिसमेंटल करने के बाद फिर से उसे कैसे असेंबल करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना। 3 ही 4 ही पार्ट जैसे आएंगे वैसे आप पूरे के पूरे प्रॉपर देखो, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करते हो तो आपसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती है और बाद में आप पछताओगे। और वीडियो पूरा नहीं देखा आपने, कुछ गलती हो गई, फिर मुझे ही गालियाँ दोगे आप। तो भाइयों प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। तो करते काम, 3 से 4 पार्टीज के आ जाएंगे, कंफर्म आ जाएंगे। डिसेबल का आएगा, फिटिंग का आएगा, फिर से इंस्टॉलेशन का आएगा, कार्बोरेटर कैसे इंस्टॉल करते वैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो फिर। तो काम करने के लिए, कार्बोरेटर खोलने के लिए जो स्पैनर लगने वाले हैं, तो 10 mm के स्पैनर है, ठीक है। कुछ इस टाइप का ही चाहिए, रिंग टाइप का, ठीक है। तो रिंग स्पैनर चाहिए, पर मेरा वाला टूट गया था तो कुछ मैंने इस तरह से कर लिया है, ठीक है। तो 10 mm का स्पैनर, रिंग स्पैनर 2-in-1 चाहिए, कुछ इस तरह का, ठीक है। एक प्लायर और 10 mm की टी। बेसिकली इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरे केस में 10 mm का बोल्ट उस तरफ से लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे निकालने के लिए। पर यहाँ पे स्क्रू है, ठीक है, तो उस साइड का ख़राब हो गया था, तो इसके वजह से मैंने 10 mm के नट बोल्ट वहाँ पे लगा दिया था। कॉक ऑफ है, देख लो ना, ठीक है। तो बेटर कॉक भी आपको ऑफ कर लेना है। तो यही है वो बोल्ट जिसे हमें ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ तो कवर को साइड में रख दो, कोई पेड़ नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ साइड में रख दो, ठीक है। और फिर हम कार्बोरेटर भी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लायर की मदद से इसे ओपन कर लेना है नट को, ठीक है। तो ओपन हो गया है। अगर आपके पास स्पैनर होगा तो आप स्पैनर से भी खोल सकते हो, फिर प्लायर की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमें स्क्रू ओपन कर लेना है। फिर ये वाला भी, लूज करना है, सॉरी ओपन नहीं, लूज करना है, ठीक है। फिर ये जो पीछे वाला पाइप दिख रहा है आपको, जिसको मैं हाथ लगा रहा हूं, ठीक है, ये वाला, तो इसे रिमूव कर लेना है, ये वाला, ठीक है। ये देखो रिमूव हो गया। और सेम इसके पीछे भी पेट्रोल का पाइप है, उसे भी हमें निकल लेना है। पहले आप मेक श्योर कर लो कि पेट्रोल को ऑफ है, फिर ओपन करना, क्योंकि कभी कभी पेट्रोल पाइप नहीं निकलता, ठीक है। तो वो निकल नहीं रहा, तो हम ऐसे ही इसे खींच नहीं सकते, ठीक है। तो आप कितना भी ऐसा फोर्स करोगे तो ये नहीं निकलेगा, बहुत आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका ऐसा है कि आपको है 10 mm का स्पैनर लेना है, रिंग स्पैनर, ठीक है। तो ऐसे ओपन हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दोनों बोल्ट निकाल लेने हैं। और रिंग स्पैनर ही चाहिए, पट्टी स्पैनर लेंगे तो ही जल्दी ही बोल्ट स्लिप हो जाएंगे ऊपर की साइड से, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट कि कुत्ते भी भूख रहे, उनको कोई रोक नहीं सकता। वाइसरॉय और बोल्ट बाजू में रख देंगे। तो अभी बारी इसे बाहर निकालने की, तो इजीली ऐसे करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो तो पेटर पाइप निकल चुका है खींचने की तरफ से। ठीक है, तो ये चोक केबल है। ठीक है, तो चोक केबल को भी खोलेंगे हम। और इसे भी आराम से बाहर निकाल लो, अगर ये अच्छा फिट है तो फिर रहने दो। ठीक है, पाइप को निकाल लेंगे, वायर्स को निकाल लेंगे, कपलर को निकाल लेंगे, और एकदम आसान तरीके से कार्बोरेटर बाहर निकल चुका है। पर हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर स्पैनर है जैसे कि 10 मिलीमीटर का, और 2 इन 1 स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ये सब आपके पास अवेलेबल है, तभी जाके खोलना। ठीक है, अगर ये पाइप खराब हो चुका है आपका तो प्लीज इसे भी आप चेंज कर दो पेट्रोल पाइप को। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दबा के कर दो। और जल्दी ही हमारी गेमिंग वीडियो भी आने वाले हैं, लाइव स्ट्रीम जल्दी ही करेंगे हम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।